हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री हम बात कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन हमने अब तक बात की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी ऑफ कम्बशन की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लैटिस एंथैल्पी चलिए फिफ्थ नंबर बात करेंगे एनथेलपी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो मैं इसको यहीं पर तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एनथेल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एफ यू एस ऐसे लिख सकते हो एन ऑफ फ्यूजन वो नाम से मालूम पड़ रहा है एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना तो इट इज देन थेपी चेंज इट इज धैन थेरेपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज

तो फ्यूजन किया आपने आइस का तो एनथेरपी ऑफ द इक्वल टू एंथेलपी ऑफ फ्यूजन ऑफ एच टू सॉलिड सो लाइक दैट यू कैन से तो ये ऑफ़ फ्यूजन ऑब्वियसली एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड लिक्विड, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं लिक्विड में रिलेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं टू कन्वर्ट द सॉलिड इंटू लिक्विड दैट मीनस यू हैव टू गिव एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज टू फॉर्म द लिक्विड ऐसे ही मान लुभि बोल दिया एंड ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन वी वो मालूम पड़ रहा है कि वन मोल ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म तो इट इज द थेलपी चेंज व्हेन व्हेन वन मोल ऑफ अ लिक्विड Is converted into gas form. So, this enthalpy of vaporization. This is a very common example, hai, liquid, one mole is taken into the gaseous form. So, you will say that enthalpy of reaction would be equal to enthalpy of vaporization of what? That is H2O liquid. ऐसी एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं हम एनथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन यह भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है ऑब्वियसली लिक्विड में स्ट्रॉगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कंपेरिजन टू द गैस टू ओवरकम दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू कन्वर्ट इंटू द गैस यू हैव टू सप्लाई एनर्जी और वर्क तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है यह भी नेक्स्ट सी एनथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन delta h sublimation sub or oh, directly converting the solid into gas so it is the enthalpy change when one mole of solid is converted into गैस फॉर्म तो कहलाएगा एनथेलपी ऑफ सबलिमेशन जैसे यही ले लो मान लो एच टू सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू एच टू ओ गैस तो एनथेलपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथेलपी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ एच टू ओ सॉलिड सो लाइक दैट यू कैन से अच्छा यहीं एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे क्या फॉर ए गिवन सब्सटेंस जैसे वाटर नहीं ले लिया उसके लिए बात कर रहे हैं तो फॉर ए गिवन सब्सटेंस एनथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथेल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एनथेलपी ऑफ वेपराइजेशन सब्लिमेशन के अंदर डायरेक्टली हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें दोनों का सम कर दें तो एनथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथेल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एनथेल्पी ऑफ वेपोरेशन पर ध्यान दो स्टूडेंट्स

तो टू कन्वर्ट हीट ऑफ रिएक्शन एट एट द डिजायर टेम्परेचर कौन सी इवेशन यूज करें यूज क्रिच ऑफ सिक्वेशन लिया आपने शुरुआत में थर्मोकेमिस्ट्री की यूज कर चॉप्स इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी वो डेल्टा एचार टी टू माइनस डेल्टा एचार टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू तो वॉट डेल्टा सीपीआर और डेल्टा सीपीआर कैसे फाइंड आउट किए हैं ये सब इलेट्रेट हम कर चुके हैं सो लाइक दैट यू कैन से यू कैन अप्लाई दिस फॉमुला ओनली वेन द टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल द एंथेलपी इज मेजरमेंट तो यह था एनथेलपी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन और फेस चेंज देन कम्स टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिक्स बॉन्ड एनथेलपी देखो बॉन्ड एनथेलपी में हम दो तरह के टर्म डिफाइन करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनथेरेपी इसके लिए चलो हम अपनी तरफ से सिंबल ले लेते हैं एनसीईआरटी तो सेम सिंबल यूज करता है बट हम चलो अपनी तरफ से डिवाइस कर लेते हैं अलग सिंबल्स तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस बी डी ई तो बॉन्ड एंथेलपी देखो अगर बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है एंडोथर्मिक प्रोसेस बट यदि बॉन्ड बनता है एटम्स से गैसेज एटम्स से बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड आउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथेल्पी हम बॉन्ड तोड़ने के लिए डिफाइन करेंगे एज डिफाइंड इन एनसीईआरटी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनथेलपी क्या है इट इज दी चेंज ऑब्वियसली हीट रिक्वायर्ड है इट इज द एंथेल्पी चेंज वेन वन मोल ऑफ अ बॉन्ड फ्रॉम A gaseous reactant substance is broken to form gaseous species free radicals.

एच एच वन मोल बॉन्ड हैच टू में वनमोल एच एच बॉन्ड है इसको ब्रेक करके टू एच गैस में कन्वर्ट कर दिया तो इक्वल टू डेल्ट एच डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच टू सो लाइक दैट फाइंड आउट बी आर टू गैस लेना है लिक्विड नहीं that is the इज द डिफरेंस बिटवीन द atomization ऑफ enthalpy and bond dissociation enthalpy ऑफ ब्रोमीन नो बोथ आर नॉट इक्वल एनथेल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड का भी हो सकता है बट बॉन्ड एनर्जी जब डिफाइन करेंगे तो बी आर टू गैस लेना होगा और जो टूटेंगे एटम्स में तो क्या बनेगा बी आर गैस बनेगा तो क्या बना दें टू बी आर गैस तो एनथेल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी आर टू गैस सो लाइक दैट यू हैव टू डिफाइन अच्छा जैसे एक इंपॉर्टेंट केस लेते हैं मिथेन का ये एनसीआर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ भी है अब आप जानते हो कि मिथेन के अंदर चार सी एच बॉन्ड आर फोर सी एच बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सी एच फोर एंड ऑल आर आइडेंटिकल बॉन्ड्स बट जब आप इन्हें ब्रेक करते हो वन बाई वन टू फॉर्म द फ्री रेडिकल्स लाइक सी एच थ्री गैस प्लस एच दैट मीन यू हैव ब्रोकन वन मोल ऑफ द बॉन्ड ऑफ सी एच फोर सो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा एच बी डी ई वन मान लो ऐसे बोल दिया अगर ये कुछ डिफरेंट है मान लो ये एक्स है मान लो ये एक्स है तो सी एच थ्री गैस इसके अंदर भी तीन मोल सी एच बॉन्ड है एक मोल और तोड़ दिए तो सी एच टू गैस प्लस एच गैस दिस डेल्टा एच आर इज नथिंग बट बॉन्ड बी डी ई टू सेकेंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दैट इज मान लो वाई एक्स नीड नॉट बी इक्वल टू वाई

फोर एंड दैट इज पी मान लो ऐसे बोल दिया आपने तो ये फिर इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज हैं अब हमें डिफाइन करना होगा अगर बॉन्ड एनर्जी को एवरेज बॉन्ड एनर्जी को तो लिखो बी एवरेज बॉन्ड एनर्जी एवरेज का मतलब समझ गया हूँ इन सबका एवरेज लेना है तो लिखो एवरेज बॉन्ड एन और बॉन्ड एनर्जी और सिंपली बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एन और बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच इन्हें बी बोल देंगे हम मोस्टली ये यूज आएंगे में आएंगे क्वेश्चन में क्वेश्चन में इन्हीं का यूज आएगा एवरेज आ गया ये तो इसका मतलब क्या हुआ इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड It is the average energy required to break one mole of bond between two atoms from various gaseous reactants. इनटू गैसियस एटम्स देखो ये है डेफिनेशन कि इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स फ्रॉम द वेरियस गैसियस रिएक्टेंट्स इनटू द इनटू द गैसियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स क्या मीनिंग है इसका चलो मैं बताता हूं अभी तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है तो इसका मतलब जैसे मुझे बॉन्ड एनर्जी निकालना होगा तो डेल्टा एच बीई वुड बी वॉट जितने भी डेटा अवेलेबल हैं बॉन्ड एनर्जी की तो डेल्टा एच बी डी वन प्लस डेल्टा एच बी डी टू प्लस डेल्टा एच बी डी थ्री सो ऑन डेल्टा एच बी डी ई एन अपॉन

हजारों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं बॉन्ड्स होंगे। अगर मेरे पास हजार मॉलिक्यूल्स का डेटा है बॉन्डिस एनर्जी का तो हजारों की बॉन्ड एनथेलपीस का सम लूंगा और वन थाउजेंड से डिवाइड कर दूंगा देन वी विल द एवरेज बॉन्ड एनर्जी हालांकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक दो परसेंट का एनर्जी डिफरेंस होता है तो उससे एक एवरेज निकल के आ जाता है तो आंसर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन वी डोंट यूज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज वी यूज़ुअली यूज बॉन्ड एनर्जीज तो लिखेंगे इस बात को इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी यूज एवरेज बॉन्ड एनर्जी वी यूज एवरेज बॉन्ड एनर्जीज तो जितने भी बॉन्ड्स पर्टिकुलर बॉन्ड्स के मान लो कोई ओ एच बॉन्ड की बात करें वाटर के अंदर तो दो ओ एच बॉन्ड हैं तो वाटर की दो डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज होंगी जैसे मीथेन की चार थी वाटर के अंदर दो ओ एच बॉन्ड्स हैं तो दो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहां होंगी एल्कोहल मिथेनोल इथेनॉल में भी ओ एच बॉन्ड्स हैं प्रोपेनोल में भी ओएच बॉन्ड्स हैं सबकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी उनका सबका एवरेज निकाल लो यू विल गेट द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओएच बॉन्ड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट एंड दैट विल बी कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी और सिंपली बॉन्ड एनर्जी अब वही हमें यूज करनी है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो ये था एवरेज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी मतलब वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी टू डिटरमिन एंड ऑफ रिएक्शन टू डिटरमिन एंथेलपी ऑफ रिएक्शन तो कैसे जैसे मैं एक डिराइव कर देता हूं ये फॉर्मूला ए टू मान लो गैस लिया बी टू गैस लिया कंबाइन करेगा कि एक मॉलिक्यूल बना दिया ए बी गैस इसका एंथेलपी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो एक काम करो ए टू के अंदर ए बॉन्ड होगा या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जो भी बॉन्ड होगा तो इसका मतलब यू हैव प्रोवाइडेड बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए क्या बन गया टू ए आपने बॉन्ड तोड़ दिए ये बी ले लो हाँ बिल्कुल इसको भी तोड़ करके आपने टू बी में कन्वर्ट कर दिया कौन सी एनर्जी देनी पड़ी बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, बी बॉन्ड चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो जो भी है आपने बॉन्ड तोड़ दिया अच्छा एक बात देखो ये जो बने हैं प्रोडक्ट्स टू ए प्लस टू बी गैसियस अगर ए बी को तोड़ते तो भी तो यही बनता ना तो टू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड

प्लस और कॉन टू इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कॉन बी बॉन्ड यहां से अगर ध्यान से देखो तो एनथेलपी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखो क्या आ गया सुनो ध्यान से ए एंड बी ए टू और बी टू कॉन है रिएक्टेंट्स तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स और इसको इधर ले आए तो क्या बन गया बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला आ गया समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस समिशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट तो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स तो ये फॉर्मूला है अच्छा ध्यान दो ये बात मैंने पहले भी कही थी जब हम कंबेशन के लिए फर, पढ़ रहे थे फॉर्मूला दो ही केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है कौन सा एक तो ऑफ एंथेल वाले फॉर्मूले में और दूसरा बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मूले में बाकी सभी फॉर्मूले में क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो इस तरीके से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी के खूब आते हैं मेन में भी आई आई मेन में भी और आई आई जेई एडवांस में भी अच्छा इस कंडीशन है इस फॉर्मूले में बॉन्ड एनर्जी आप जब भी डिफाइन करते हो जब रिएक्टेंट्स को ब्रेक करके आपने एटम्स तो में कन्वर्ट किया है और रिएक्टेंट शुड बी इन गैसेस फॉर्म सो दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस फॉर्म तो लिखो एप्लीकेबल व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्म ऐसा जरूरी तो है नहीं कि किसी क्वेश्चन के अंदर सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में हो, हो हो सकता है कोई लिक्विड हो हो सकता है कोई सॉलिड हो तो फिर क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ होगा ना एनथेलपी ऑफ सब्लिमेशन का या एंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन का लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड द ऑफ वेपराइजेशन जस्ट हमने पढ़ा ही है इससे पहले और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड एनथेलपी ऑफ सब्लिमेशन तो वो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा प्रॉपर डेटा नहीं दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे खाली पेज पे सवाल कर दोगे क्या खाली पेज दे, दे दें आपको बोलो करो उस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी होता है तो क्वेश्चन में प्रॉपर डेटा तो आपको देंगे देन ओनली यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बट कंडीशन व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन फॉर्म इफ नॉट देन कन्वर्ट इन टू दैसेज फॉर्म एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मुला तो ये था एप्लीकेशन लेट्स डू वन और टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट मान लो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलीमर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है मैं डेटा ले लेता हूँ क्वेश्चन का हाँ ये कैलकुलेट एंथेल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पर मोल ऑफ आइसोमरीन पर मोल ऑफ आइसोप्रीन आइसोप्रीन से एक पॉलीमर बनता है न्यूप्रीन रबर के रूप में काम में आता है ये उसके लिए पूछ रहे हैं अच्छा क्या इक्वेशन दी हुई एन सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच सी एच टू एन ये है आइसोप्रीन और इसी का पॉलीमर बन जाता है एन इज ए लार्ज इंडेक्स इंडेक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन हजार डेढ़ हजार टाइप वैल्यू होती है और बनता है न्योप्रीन न्योप्रीन इज ए वेरी कॉमनली यूज रबर अच्छा क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी दिस डेटा इज गिवन एज डबल बॉन्ड सी का डेटा दिया हुआ है 590 एंड सिंगल बॉन्ड का एनर्जी का डेटा दिया हुआ है 331 किलो जूल पर मोल. ये था क्वेश्चन चलिए सॉल्व करें सवाल को क्या का क्वेश्चन है कैलकुलेट एंड थे पॉलिमराइजन परमोल ऑफ आइसोप्रीन तो ये तो मोल्स दिए हुए हैं एन से डिवाइड कर दो तो पर मोल के लिए बन जाएगा तो एक तरीके से इक्वेशन ऐसी हो गई सी एच टू डबल बॉन सी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वन अपॉन एन ये पॉलीमराइजिंग इंडेक्स हो गई सी एच टू सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच एन

अब uh, बॉन्ड तो भाई बहुत सारे हैं रिएक्टन में जैसे ये मिथाइल ग्रुप है ये वाला, ये वाला यहां यहां भी है, यहां भी है है तो तीन सी एच बॉन्ड यहां भी होंगे मिथाइल ग्रुप में तीन सी एच बॉन्ड यहां भी होंगे तीन सी एच बॉन्ड की एनर्जी यहां लिखू माइनस करके फिर यहां लिखू क्यों लिखू भाई जो बॉन्ड्स में चेंज नहीं हुए वो रिएक्टेंट में भी आएंगे प्रोडक्ट में भी आएंगे अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे मत लिखो वही बॉन्ड्स कंसीडर करो जिनमें चेंजेस हुए हैं तो एक काम करो मार्क करो केवल वो बॉन्ड्स जिनमें चेंजेस हुए हैं जैसे ये डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड और एंड में ये जो जहां से दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है वहां कुछ बॉन्ड बने हुए हैं इनको और लेना है तो बताओ क्या करें दो स... C डबल बॉन्ड C तो टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस एक सिंगल बॉन्ड जिसमें चेंज हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C माइनस जरा कितना डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस जरा सिंगल बॉन्ड गिनो एक दो यहां हो गया वन टू बट ध्यान दो ये हाफ बॉन्ड ही आएगा इसके हिस्से में एक मोल में ये हाफ बॉन्ड आ जाएगा और हाफ ऑफ द बॉन्ड विल गो इंटू दर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या एक मॉलिक्यूल में हाफ ही बॉन्ड आएगा बिकॉज दिस इज बिटवीन टू मोल्स तो इसका मतलब हाफ ये लेना है हाफ ये लेना है ये याद रखना है पॉलिमराइजेशन वाले क्वेश्चन में जहां पे पॉलिमराइजेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच हो रहा है उसका हाफ ऑफ द बॉन्ड ऑनली शुड बी कंसिडर्ड तो सिंगल बॉन्ड कितने एक दो आधा आधा टोटल तीन बॉन्ड तो थ्री इन तू. बॉन्ड एनर्जी सी सी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसलिए लिखवाया भी था इंपॉर्टेंट तो एक डबल बॉन्ड सी हट गया तो सी डबल बॉन्ड सी कितना 590 माइनस ये तीन बॉन्ड्स हैं ये एक है तो माइनस टू -2 सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 331 तो 590 माइनस कितना हो गया 662 आंसर हो गया -72 किलो जूल पर मोल दैट्स इट दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो लाइक दैट यू कैन डू ये था एक क्वेश्चन अच्छा एक और क्वेश्चन लो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे क्वेश्चन मान लो डेटा ये हो मान लो ऐसे कह दें कि फाइंड एवरेज पी सी एल बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इन पी सी एल फाइव अच्छा ये तो आपको पता होगा कि पी फाइव के अंदर फाइव बॉन्ड्स हैं और दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं और तीन इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं आयनिक ये केमिकल बॉन्डिंग में ये बात बड़ी कॉमन होती है कि पीसीएल फाइव की स्ट्रक्चर ट्राइग्नल बाई स्ट्रक्चर है वे आर टू बॉन्ड्स आर रिलेटिवली वीकर बॉन्ड्स विच आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड थ्री बॉन्ड्स आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स विच आर रिलेटिवली स्ट्रॉगर बॉन्ड्स बट यहां हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी वुड बी टेकन सेम फॉर ऑल तो फाइंड एवरेज पीसीएल बॉन्ड एनर्जी इन पीसीएल फाइव क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा एच एफ नॉट किस किस का पीसीएल uh, फाइव का गैस पी गैस सीएल गैस क्या डेटा है मैं लिख देता हूं यहां पर क्वेश्चन में दिस इज गिवन एज माइनस थ्री सेवन थ्री वन फाइव प्लस में एंड 122 ट्वेंटी टू प्लस मी इन द यूनिट किलोजूल पर मोल बस इतना ही सवाल है देखो क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को एक तरीका तो यही है मान लो फर्स्ट मेथड ऐसे लिख दो आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख दो पी गैस प्लस फाइव सी एल गैस क्योंकि मुझे इनके एंथेलपी ऑफ फॉर्मेशन मालूम है और बना दिया पीसीएल फाइव गैस तो इस रिएक्शन का एंथेलपी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा ये फॉर्मेशन नहीं है तो इस रिएक्शन का एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच आर मान लो तो वो डेल्टा एच आर को आप दो फॉर्मूले में लिख सकते हो एक तो एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट तो समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एनथेलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट And that is also equal to summation of bond energies of reactant minus summation of bond energies of products. Enthalpy of formation of the product con PCl5 minus 375. Minus enthalpy of formation of P gas minus 315. Minus enthalpy of formation of Cl to 5, so 5 into 122 इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जीज़ ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ही नहीं है कोई भी 0 प्लस फाइव इंटू जीरो माइनस बॉन्ड एनर्जीज़ ऑन द प्रोडक्ट पांच पीसीएल बॉन्ड्स हैं तो 5 इंटू बाउंड एनर्जी ऑफ पीसीएल बॉन्ड यहां से जब आप सॉल्व करते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीसीएल बॉन्ड तो यू गेट द आंसर मैं आंसर देख के बता देता हूं आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाएंगे 260 किलो जूल पर मोल आप मैथमेटिकली घर पर सोल्व करें इसको अच्छे से. ये ही आंसर है. तो ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन का कि आप अपने कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख ली और चूंकि एंथेपी ऑफ फॉर्मेशन उस हाइपोथेटिकल स्पीशीज में सबके मालूम थे अकॉर्डिंगली यू सॉल्व द क्वेश्चन सेकेंड अप्रोच ये ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच है क्या है ऑफ़ फॉर्मेशन दिया है तो पीसीएल फाइव का फॉर्मेशन तो करो जरा भैया पीसीएल फाइव का फॉर्मेशन करो तो किससे करोगे पी सॉलिड और किससे करोगे फाइव बाई टू सी एल टू और एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है माइनस थ्री सेवेंटी फाइव अब जरा पी से कन्वर्ट कर दो पी गैस तो पी गैस का एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना था थ्री वन फाइव और इनको तोड़ दो आप सीएल में फाइव सीएल तो सीएल का फॉर्मेशन भी करते तो इसी से करते ना सीएल टू से तो फाइव इंटू एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीएल कितना है वो वन ट्वेंटी टू अच्छा एक बात ध्यान दो अगर आप यहां से यहां जाते तो मान लो एंथेल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच डैश होता तो वो क्या लिख सकते थे बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्शन माइनस बॉन्ड एनर्जीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स और वो डेल्टा एच की वैल्यू क्यों रियक्टेंट में बॉन्ड ही नहीं है सीएल में कौन सा बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं माइनस फाइव इन प्रोडक्ट्स में पांच बॉन्ड है पीसीएल बॉन्ड तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीसीएल यहां से वैल्यू आ गई अब वापस वोई ये रिएक्टेंट है यह प्रोडक्ट हैं साइकिल बन गया लगाओ यहां से यहां जाने के लिए एक एनर्जी माइनस थ्री सेवेंटी फाइव दूसरे घूमके इतनी सारी है चेंज एंडस थ्री सेवन बीवल टू थ्री वन फाइव प्लस फाइव इन टू वन ट्वेंटी टू प्लस डेल्टा एच डैश यहां से जब सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करोगे तो अगेन बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीसीएल बॉन्ड कम्स आउट टू तो बी कितना आया था आंसर टू सिक्सटी ना आप सॉल्व करना मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आपको नहीं लिखना है डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व इट तो 260 किलो जूल पर मोल इट यही आंसर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दैट्स इट यही आंसर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सो लाइक दैट यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट्स इट फॉर नाउ